चलिए तो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। बिम्बिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। अगला क्वेश्चन है, उत्वी फिरदौसी तथा अल बेरुनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनवी के दरबार के। अगला है, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निसंस्था के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। अगला है, इतिहास के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खानों से। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। अगला है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेलुकस निकेटर ने। अगला है, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दास वंश, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगला है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह। अगला है, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। अगला है, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में। अगला, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला, अशोक के शासनकाल की अवधि थी 243 से 232 ईस्वी पूर्व। अगला, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? बल्लभाचार्य ने। अगला है, सम्राट कनिष्क के संबंध का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी पूर्व। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ करते हैं? 24। अगला है, सभी धार्मिक आर्य वंश अपने मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु वैश्वत। अगला है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का दुआब। अगला है, दिल्ली सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। अगला है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था उसे कड़िक के नाम से जाना जाता था, यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? आजाद शत्रु से। अगला है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृड मूर्तियां किस सैन्य स्थल में प्राप्त हुई? कालीबंगा। अगला है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। अगला है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? पुत्रियों का। अगला, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। अगला है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। अगला है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व। अगला है, हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा? बंगाल में। अगला है, मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, एक कथन किस संत का था? कबीर का। अगला है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टी। अगला, नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन।
अगला कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। अगला किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद द्वारा। अगला है वसुचरित के लेखक कौन है? रामराज। अगला है गुलाब ने इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट सामग्री ने किया? तो असमत बेगम। अगला है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने। अगला है अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। अगला है मालविकमित्तम किसका ग्रंथ है? कैसा नाट्य ग्रंथ है। अगला है कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार का। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया गया जाता है? इहोल अभिलेख में। अगला है किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया? बाबर के लिए। अगला है सिद्धार्थ गौतम बौद्ध के जीवन में किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को। अगला है भारतीय इतिहास में कौन वंश पित्तहत्ता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। अगला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के चार प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। वे थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। अगला है किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की? महेंद्र वर्मन ने। अगला है नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। अगला है महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी ने। अगला है हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अगला है प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता था? पूत पूत रघु। अगला है प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? अग्रहार। अगला है बज्जान बौद्ध धर्म में बौद्ध बौद्धि सत्य की संगिनी को कहा जाता था? तारा। अगला है कुमार संभव में किसकी जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय। अगला है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से। अगला राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। अगला है शिवाजी के काल में पर राष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री का दया संज्ञा थी? सुमंत। अगला क्वेश्चन है इसने इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? इसमें ख्वाजा मीर दर्द ने। अगला है ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से आधिकारिक निचोड़ना और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं, यह कथन किसका है? वर्नियर का। अगला है वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? विशन दास। अगला है एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन मंदिर बिहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट वंश के। अगला है सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी, क्या कहलाते हैं? खोखर। अगला है बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले के। अगला है बलबन आम जनता में प्रसिद्ध था रक्त और लोहे नीति के कारण। अगला है वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? अर्जुन को। अगला
अगला है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय था? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। अगला है, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादी के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। अगला है, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टेनली लैंड पूल की। अगला है, फतुहात ए आलमगीर, जो इस्लामी कानूनों की संहिता के लेखक थे, ईश्वरदास।